दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा हिस्सा, सर्दियों के दौरान पड़ने वाली कठोर ठंड इनके नाम से ही कपकपी छूट जाती है। खून जमा देने वाली ठंड के साथ साथ अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ये है साइबेरिया। दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया के उत्तर में स्थित भाग को साइबेरिया कहा जाता है, जो कि इस देश का 76% हिस्सा है। रूस की जनसंख्या का लगभग 27% यानी कि लगभग 3.5 करोड़ लोग साइबेरिया के खून जमा देने वाली ठंडी इलाके में रहती हैं। और यह धरती का सबसे कम घनत्व वाला एरिया भी माना जाता है। साइबेरिया के ज्यादातर हिस्से इसके अनुमान के मुताबिक सर्दियां काफी कठोर और बेहद ही ठंडी होती है। यहाँ का तापमान सर्दियों में 0 डिग्री से लेकर -60 डिग्री नीचे तक चली जाती है, यानी कि मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडा। अब आप जरा सोचिए, जो इलाका मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडा होगा, वहाँ के लोग भला जीवन कैसे व्यापन करते होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ठंडी गांव ओइमाइकॉन, जो कि रूस के साइबेरिया में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा जगह माना जाता है। अब जरा उन परेशानियों को समझ लीजिए जो यहाँ के लोगों को हर दिन उठानी पड़ती है। यहाँ के लोगों के पेन की इंक भी जम जाती है। कहा जाता है कि यहाँ का कोई बैटरी भी काम नहीं करता है। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पर खड़े पार्किंग में गाड़ियाँ भी हमेशा स्टार्ट मोड में रहती है। अगर पार्किंग में खड़े गाड़ियों को बंद कर दिया जाए तो इसका इंजन जम जाएगा और फिर ये स्टार्ट नहीं होगा। सर्दियों में यहाँ 20 घंटे तक अंधेरा छाया रहता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगता है। इसलिए यहाँ के लोगों का भोजन का मुख्य स्रोत रेंडियर और घोड़े की मीट खाकर ही रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी किसी कठिन चुनौती से कम नहीं है। दोस्तों, यह बात है 1936 की, जब रसिया के एक विशेष समुदाय के लोग को निशाना बनाकर हत्या कर दिया जा रहा था। तब रसिया की मुख्य भूमि से पलायन कर लिक्योस की फैमिली ने साइबेरिया के जंगलों में पनाह लेना ठीक समझा, जो कि बाहरी दुनिया के बिना किसी संपर्क के अपने दम पर 44 साल बिताए। सन 1976 में एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों पर नजर पड़ी, तब जाके दुनिया के सामने लिक्योस के फैमिली की सच्चाई सामने आई, जो कि पिछले 44 साल से इन साइबेरिया के जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुनिया के सबसे हरतंकेज घटनाओं में से एक यह घटना की सच्चाई अविश्वसनीय है। दोस्तों, साइबेरिया ना केवल ठंड के मामले में अनोखा है, बल्कि इसकी प्रकृति खूबसूरती भी दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। साउथ ईस्ट साइबेरिया में लेक बैकाल दुनिया का सबसे पुराना, सबसे गहरा और दुनिया का सबसे ज्यादा मीठा पानी का भंडार है। साइबेरिया में कई माउंटेन रेंज भी पाई जाती है और यहाँ की सबसे ऊंची माउंटेन की ऊंचाई 4,750 मीटर है, जो कि यहाँ की एक्टिव वोल्केनो है। साथ ही साथ साइबेरिया में कई नदियां भी पाई जाती हैं, जो कि यहाँ के जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साइबेरिया स्पेस वैज्ञानिकों के लिए भी एक इंटरेस्टिंग जगह रहा है और यहाँ के अतीत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर डाला है। ऐसे ही सबसे फेमस घटनाओं में से एक है तंगुस्का इवेंट। यह बात है 30 जून सन 1908 की। तंगुस्का रिवर के समीप हर दिन की तरह जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। जंगल के उस हिस्से में रात के जीव जंतु सोने के लिए आए थे और दूसरे जानवर अपने सुबह का भोजन ढूंढने के लिए निकले ही थे, लेकिन उन प्राणियों को पता नहीं था कि वह सुबह उनका आखिरी सुबह है, क्योंकि उसी सुबह उस क्षेत्र में धरती से 8 किलोमीटर ऊपर एक भयानक विस्फोट हुआ, जिस वजह से नीचे का हिस्सा तबाह हो गया। यह धमाका इतना बड़ा था कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला जंगल के 8 करोड़ पेड़ टूटकर बिखर गए। दोस्तों, यह हादसा इतना भयानक था कि अगर यह इवेंट किसी घनी आबादी में होता तो इससे पूरा शहर बर्बाद हो जाता। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धमाका से इतना ऊर्जा पैदा हुई थी कि हिरोशिमा के गिराए गए एटम बम से 300 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि यह धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन यह धमाका हुआ कैसे? शोधकर्ताओं का मानना है कि उस वक्त पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ऊपर एक 60 मीटर व्यास वाली एक उल्कापिंड का विस्फोट हुआ था।
यह उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते ही वायुमंडल के घर्षण से 8 किलोमीटर ऊपर ही विस्फोट हो गया। उस वक्त यह विस्फोट इतना भयानक था कि इंडोनेशिया से लेकर रशिया के दक्षिणी भाग तक इसका विस्फोट का गनगनाहट सुनाई दिया। यह घटना तुंगुस्का नदी के आसपास होने की वजह से इस इवेंट को तुंगुस्का इवेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।